इन्हीं गुणों के कारण बाद में वे महात्मा के नाम से जाने गए। देश को वीडियो बंद करो। दिखाने के लिए उन्होंने उसकी बागडोर अपने हाथों संभाली और अपना सारा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। पोरबंदर एक पुराना समुद्री बंदरगाह है जो दूर खड़ी बरड़ा की पहाड़ियों से दिखाई देता है। प्राचीन समय में भी सुदूर देशों से व्यापार के लिए जहाज यहां आकर ठहरा करते थे और यही गांधी परिवार का पैतृक घर था। मोहनदास के पूर्वज अपने सामर्थ्य और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दादा उत्तमचंद गांधी जो पेशे से सामान्य व्यापारी परिवार से थे बाद में पोरबंदर के दीवान बने। उनके बाद उनके बेटे करमचंद गांधी दीवान बने जिन्हें लोग कबा गांधी के नाम से जानते थे। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक एवं व्यवस्थापक बनाया था। करमचंद गांधी की पत्नी पुतली बाई धार्मिक स्त्री थी। वे मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली प्यारी महिला थी जिन्हें उनकी बुद्धि और उनके अच्छे स्वभाव के लिए व्यापक रूप से सम्मान मिलता था। लोग अक्सर विभिन्न मसलों पर उनसे सलाह लिया करते थे। कबा गांधी के सभी बच्चों में सबसे छोटे थे मोहनदास, जिनको माता पिता और दोस्त प्यार से मोनिया कहकर बुलाते थे। मोनिया अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 दिन पश्चिम भारत में काठियावाड़ के तट पर स्थित पोरबंदर के एक छोटे से घर में हुआ था। करमचंद गांधी और पुतली बाई के यहाँ जन्मा ये बच्चा भारत में जन्म लेने वाले अन्य लाखों बच्चों की तरह छोटा और सांवला जन्म था लेकिन साधारण नहीं था।